नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैंने ये मंगाया है C11, रियलमी C11 है। इसमें फ्लिपकार्ट पे मैंने फ्लैश सेल में बुक किया था, और मैं अगली वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि फ्लैश सेल में आप आसानी से कोई भी फ़ोन कैसे बुक कर सकते हैं। इसके कई सारे ऐप्स हैं जो कि आपको उसके लिए आपको लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर का यूज करना पड़ेगा। ये ट्रिक मैं यूज करता हूँ और इसी तरह से मैं फ्लैश सेल में कोई भी फ़ोन खरीद लेता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने फ्लैश सेल में बुक किया था रियलमी C11। आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और बताएंगे दिखने में कैसा है, कैमरा क्वालिटी कैसी है और इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, और इसके अंदर के जो फंक्शन है वो भी आपको पता लग जाएंगे इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे हमेशा देखने को। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये वाला बॉक्स है जो कि मैंने आपको दिखाया था, और ये मैंने इसको खोल लिया। इसमें कुछ इस तरह की पैकिंग में ये आता है, और ये मुझे मिला था 7499 में। 5000 mAh की एक पावरफुल बैटरी है, 6.5 इंच का मिनी ड्रॉप फुल व्यू स्क्रीन है, और हेलियो यानी मीडियाटेक का हेलियो G35 गेमिंग प्रोसेसर है, जो कि एक नया प्रोसेसर है और काफ़ी दमदार भी है। आगे इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल है, और बैक में 2 कैमरे दिए गए हैं। पहला प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल और दूसरा 2 मेगापिक्सल का है। यहां पर ये ऊपर की तरफ सिम इंजेक्टर टूल्स दिया हुआ है, कुछ डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं जो कोई भी नहीं पढ़ता। और यहां पर ये स्मार्टफोन है, और यहां पर ये स्मार्टफोन है। ये पीछे का जो कैमरा बनाया गया है चौकोर, ये इसका बहुत ही अट्रैक्शन पॉइंट है। चार्जर मुझे काफी बड़ा लग रहा है नॉर्मल से, और यहां पर माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल दिया गया है। वैसे इसमें कोई फास्ट चार्ज नहीं दिया गया है कंपनी की तरफ से। तो यहां पर कुछ आपको इस तरह की बिल्ड क्वालिटी मिलती है। रियलमी का लोगो लगा हुआ है बैक में, जो कि आपको एक प्रीमियम फोन का लुक देगा, और ये भी इस पर भी थोड़ी सी शाइनिंग है जो आपको एक प्रीमियम फोन का यहाँ पे लुक मिलने वाला है। डिस्प्ले इसकी काफ़ी ज़्यादा सही है, और टच इसका काफ़ी सही है, और रियलमी का लेटेस्ट यूआई इसमें दिया गया है 1.0, जिसकी वजह से फ़ोन का लुक काफ़ी अच्छा हो जाता है। ये नोटिफिकेशन बार काफ़ी सही है, या मैं इसे क्लियर कर दे रहा हूँ, कुछ नोटिफिकेशन आई हुई है, और इसे दोबारा करते हैं। यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं आप, कस्टमाइज का ऑप्शन भी दिया हुआ है। यहाँ पर पहले से कुछ ऐप्स दिए हुए हैं, रियलमी के भी कुछ ऐप्स हैं, तो ये सेटिंग में काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। एडिशनल ऑप्शन भी है, एक गेम का भी ऑप्शन है, गेम की सेटिंग का एक ऑप्शन है, जैसे कि गेम बूस्ट होता है काफ़ी महंगे फ़ोनों में, उस तरह से है ये। इसके अंदर अबाउट के अंदर जाएंगे तो आपको स्पेक्स इसके देखने को मिल जाएंगे, यानी स्पेसिफिकेशन। ये फ़ोन 6.50 इंच का HD+ डिस्प्ले वाला फ़ोन है, और इसके अंदर मीडियाटेक हेलियो G35 एक गेमिंग प्रोसेसर है, जो कि लेटेस्ट है गेमिंग प्रोसेसर है।
यहाँ पर बैग में भी काफ़ी अच्छा है ये, और डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। बैग में जो कैमरा है, दो कैमरा है और एक सेल्फी है, ये ऑन ऑफ का बटन और वॉल्यूम इंक्रीज, 3.5 mm का जैक है, माइक्रो USB चार्जिंग पॉइंट है, और इस साइड दूसरी साइड में सिम वाली टूल है, दो सिम और एक SD कार्ड। ऊपर की तरफ कुछ नहीं दिया। बैक में दो कैमरे हैं, 13 MP और 2 MP का, एक LED फ्लैश लाइट है। डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है जिसकी वजह से इस फ़ोन को पसंद किया जा रहा है। ये ऊपर से ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले है और डिस्प्ले साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, नीचे चिन थोड़ी सी बड़ी दे रखी है। डिस्प्ले का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है, टच इसका बहुत सी स्मूथ है। कैमरे को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैमरा क्वालिटी का है। यहाँ पर मैं आपको सेल्फ़ी कैमरा दिखाऊंगा और आज मैं सेल्फ़ी कैमरा आपको सही से दिखाऊंगा। काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि सेल्फ़ी कैमरे के बारे में नहीं बताते, तो यहाँ सेल्फ़ी कैमरा 5 MP का है जो आज की डेट के हिसाब से थोड़ा कम है, लेकिन अगर प्राइस देखें 7,499 तो उसके हिसाब से सही है। काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। ये इसका बैक कैमरा है, 13 MP और 2 MP, एंड्रॉयड 10 इसमें दिया गया है और रियलमी का लेटेस्ट UI है 1.0। 5000 mAh की एक पावरफुल बैटरी इसमें दे रखी है। वैसे इसके बारे में खास चीज़ें यही है कि बैटरी लाइफ अच्छी है, गुड लुकिंग है, लेकिन डिस्प्ले एवरेज है और यहाँ पर वीडियो क्वालिटी मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी लगी नहीं। खुद देखिए, ये जब मैंने वीडियो सेलेक्ट किया तो कलर बेकार हो गया, एक्चुअल में ग्रीन कलर है, और जब फोटो कर रहा हूँ तो कलर सही आ रहा है, तो यहाँ वीडियो क्वालिटी की कुछ मुझे डाउट है। लो लाइट फोटोग्राफी के लिए फ़ोन सही नहीं है, थोड़ी परफॉर्मेंस ढीली है, क्योंकि वैसे कम प्राइस में भी है लेकिन काफ़ी ऑप्शन और भी हैं मार्केट में। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिए और शेयर जरूर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।